और इसी श्रृंखला में अब हमारे साथ जो है जो कवित्री हैं जुड़ चुकी हैं। उनका नाम शोभा सचान है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से है। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर जेपी सचान है और माता का नाम रमा सचान है, पति उदय सचान, और इनका निवास स्थान भी वैशाली गाजियाबाद है। आज तो मुझे लग रहा है कि सब गाजियाबाद से ही जुड़े हुए हैं। तो जी शोभा सचान जी नहीं, आशा जोशी जी हमारे साथ हैं। अच्छा परिचय सही से जी जी दोबारा से जी दीजिए, माफी कोई बात चाहूंगी नहीं, परिचय जी दोबारा जी दे जी दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा दे दीजिए। डॉक्टर आशा जोशी जी हमारे साथ हैं। मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्षमा चाहूंगी। और ये रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय से, इन्होंने काफी सारी रचनाएं और काव्य संग्रह लिखे हैं। और मैं आदरणीय बड़े भाई साहब से निवेदन करूंगी कि इनके स्वागत में चार पंक्तियां कहें। मैं परमादरणीय श्रद्धा आदरणीय बहन आशा जोशी का हृदय से स्वागत करते हुए चार पंक्तियों द्वारा पटल पर आमंत्रित करता हूँ। उपेक्षा का दर्द कहानी संग्रह, उपेक्षा का दर्द कहानी संग्रह सहित जिंदगी कविता संग्रह मनोभावन राम प्रसाद बिस्मिल रचनावली है आपका संपादन। मैं सही कह रहा हूँ बहन? बिल्कुल ठीक, सही बोला? बिल्कुल ठीक। उपेक्षा का दर्द कहानी संग्रह सहित जिंदगी कविता संग्रह मनोभावन राम प्रसाद बिस्मिल रचनावली है संपादन। कैसे बचे कुरीतियों से समाज विषयक पुस्तक उत्तरांचल पत्रिका में 18 वर्षों से रही दस्तक। हिंदी अकादमी द्वारा श्यामा पत्रिका संपादन देशी और बधाई की प्रमुख पात्र बहन आशा जोशी, बधाई की प्रमुख पात्र बहन आशा जोशी, आमंत्रित करता हूँ बहन आशा जोशी। सबसे पहले मैं आयोजकों का, दोनों संचालकों का अभिवादन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अधिकांश युवा लोग, अब तक मैं बीच बीच में सुनती रही जब समय मिला मुझे, युवा लोगों के बीच मुझे भी युवा बनने का मौका दे दिया। जी जी मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? थोड़ी कम आ रही है, आवाज तो क्लियर है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अब आई? थोड़ा आई, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दीजिए। हाँ वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, आप देखिए। अब आवाज आ रही है मेरी? जी शुरू कीजिए आप, आवाज तो थोड़ी धीमी ही आ रही है लेकिन आप शुरू कीजिए। मैं थोड़ा सा रंग बदलती हूँ जी। गोष्ठी का, इस महायज्ञ का। मैं छंदहीन कविताएं लिखती हूँ और उनमें जिंदगी के छंद ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास चल रहा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ की क्या जगह जीवन में होती है। मैं आज माँ पर ही एक कविता से आरंभ कर रही हूँ। शारदा माँ को याद करते हुए अपनी माँ का स्मरण कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है अमृत फल। जी स्वागत है। तुम मुझे बरगद का पेड़ लगती हो माँ, तुम मुझे बरगद का पेड़ लगती हो माँ, शाखा जैसी बाहें फैलाए, शाखा जैसी बाहें फैलाए, सबको उनमें समेटने के लिए आते। कभी कभी, कभी कभी तुम मुझे नीम का पेड़ लगती हो माँ, कभी कभी तुम मुझे नीम का पेड़ लगती हो माँ, जिसकी गोद में झूला डाल कर आज भी निश्चिंत होकर झूला जा सकता। आंवले सी खट्टी मीठी तुम्हारी डांट दुलार अब तक अपना स्वाद बनाए, आंवले सी खट्टी मीठी तुम्हारी डांट दुलार अब तक अपना स्वाद बनाए हैं। तुम्हारा झुर्रीदार चेहरा, तुम्हारा झुर्रीदार चेहरा मुझे इतिहास लगता है, तुम्हारा झुर्रीदार चेहरा मुझे इतिहास लगता है,
जिसमें झलक जाती है, जिसमें झलक जाती है चूल्हे में आग भरते तुम्हारी मौल सिरी सी छवि, और धुएं में डूब दबाई तुम्हारी सागर सी गहरियाँ, और धुएं में डबडबाई धुएं में डबडबाई ही तुम्हारी सागर सी गहरी आँखें, दूध की कच्ची धार सा बहुत सारी यादों का जंग है, दूध की कच्ची धार सा बहुत सारी यादों का जंग है, छिपा है इस इतिहास में हर सुख में स्वस्ति वाचन सी, हर सुख में स्वस्ति वाचन सी, हर दुख में रक्षा गवच सी, तुम मेरे लिए अमृत फल रही हो माँ, तुम मेरे लिए अमृत फल रही हो। ये पहली कविता माँ को समर्पित थी। और जीवन में अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, इसको शायद हम ठीक से ज्ञान नहीं पाते। जो दूसरी कविता है जिसका मैं वाचन कर रही हूँ, उसका शीर्षक है प्रेम। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र आपकी उंगली पकड़ कर, ताउम्र आपकी उंगली पकड़ कर आपको सबसे नीचे शिखर पर, ताउम्र आपकी उंगली पकड़ कर आपको सबसे नीचे शिखर पर चढ़ा सकता है प्रेम। प्रेम की कोई जात नहीं होती, प्रेम की कोई जात नहीं होती, दूर नदी के उपेक्षित घाट से दिखने वाले, दूर नदी के उपेक्षित घाट से दिखने वाले बांस वन से लेकर ऊंची अटारी की ओर तक, ऊंची अटारी की ओर तक निर्बाध हवा की तरह आवाजाही कर सकता है प्रेम। वह न ब्राह्मण है न क्षत्रिय, न शूद्र है न वैश्य, दुनिया की दीवारें तोड़कर अपनी बात कहने का साहस रखता है प्रेम। अगली कविता मैं पढ़ रही हूँ, उसका शीर्षक भी प्रेम ही है, वह एक दूसरा चित्र है प्रेम का। बहुत कुछ कर सकता है प्रेम, प्रेम में देह अनिवार्य नहीं होती, बहुत कुछ कर सकता है प्रेम, प्रेम में देह अनिवार्य नहीं होती, दैहिक आकांक्षा प्रेम को मार देती है। प्रेम अगर सच्चा खरा है तो हमें विदेह बनाता है, प्रेम अगर सच्चा खरा है तो हमें विदेह बनाता है, हम विदेह होकर भी तन की कोर कोर में प्रेम को, हम विदेह होकर भी तन की कोर कोर में प्रेम को बरसाती नदी की धार सा बादलों की सांवली हुनक सा अनुभव कर सकते, उसकी लय पर जीवन गीत गाया जा सकता, उसकी लय पर जीवन गीत गाया जा सकता है, रोक सकते हैं विश्वास का परवा, पाट सकते हैं नफरत की खाई, क्या नहीं कर सकता है प्रेम। अपनी कविता की ओर चल रही हूँ और ये मान रही हूँ कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आ रही है मैम, लेकिन बहुत धीरे आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है। तो मैं तो फुल वॉल्यूम में बोल रही हूँ अपने पता नहीं क्या हो रहा है, अब ये मैं जान नहीं सकती, मेरा इसका भी वॉल्यूम फुल है और मेरे गले का वॉल्यूम भी फुल है। देखिए कुछ आपके यहाँ से तो नहीं है प्रॉब्लम? नहीं। चलिए अगली उस पर चलते हैं, इसीलिए बहुत नजदीक आके सुन रही हूँ मैं। अच्छा जी चलिए,
और थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गले की लिमिट है मेरी। अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी। जी आओ जिंदगी को छतरी बना लें, आओ जिंदगी को छतरी बना लें दुखों की बरसात, आओ जिंदगी को छतरी बना लें दुखों की बरसात। आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही बहन जी, आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक करिए जरा आप। नहीं मेरा तो फुल वॉल्यूम है यहाँ से, देखिए और क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए आ रही, कुछ आवाज में फर्क आया? नहीं सेम ही है। तो फिर ये कुछ उसकी स्पीकर के सामने कुछ रखा तो नहीं है? नहीं। फोन के स्पीकर के सामने? नहीं कुछ नहीं है। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। आओ जिंदगी को छतरी बना लें दुखों की बरसात, आओ जिंदगी को छतरी बना लें दुखों की बरसात में, बना लें इसे रेशमी चादर चांदनी रात, बना लें इसे रेशमी चादर चांदनी रात में, जिंदगी को घड़ी की तरह बांध लें कलाई में, जिंदगी को घड़ी की तरह बांध लें कलाई में, इसकी टिक टिक से इसकी गांठ लें यारी, फिर कहाँ बचकर जाएगी जिंदगी बेचारी, इसकी टिक टिक से गांठ लें यारी, फिर कहाँ जाएगी बचकर जिंदगी बेचारी। अब तो मैं माइक को अपने बिल्कुल पास ले आई हूं, अब आपकी भी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम मैंने म्यूट किया हुआ है, आप सुनाइए अपना काव्य पाठ चालू रखिए। अगली कविता पढ़ती हूं, ये है, इसका शीर्षक है मीरा होने का मतलब। मीरा होने का मतलब समाज से विद्रोह, मीरा होने का मतलब समाज से विद्रोह, वैभव से वैराग, हृदय की आग विदग्ध किए, हृदय की आग विदग्ध किए उसमें जलना और बेपरवाह हंसना, हृदय की आग विदग्ध किए उसमें जलना और बेपरवाह हंसना, धू धू कर जला देना, धू धू कर जला देना जड़ मान्यताओं को अपनी बेबाकी से, धू धू कर जला देना जड़ मान्यताओं को अपनी बेबाकी से, आंधी में सूखा पत्ता बनकर उड़ने के लिए तैयार रहना, आंधी में सूखा पत्ता बनकर उड़ने के लिए तैयार रहना, पर भय से अपना अस्तित्व न खोना, मीरा होने का मोह छोड़ना पड़ता है, मीरा होने का दंभ तोड़ना पड़ता है, तब कहीं बनती है मीरा सैकड़ों वर्ष बीतने पर पहचानी जाती है मीरा, सैकड़ों वर्ष बीतने पर पहचानी जाती है मीरा। अगली कविता है, बदल रही हूं थोड़ा सुर लड़की के संदर्भ में, कि आज लड़की किस तरह से आगे बढ़ रही है। शीर्षक है लड़की। लड़की के एक हाथ में सूरज है, लड़की के एक हाथ में सूरज है दूसरे में सितारे, लड़की के एक हाथ में सूरज है दूसरे में सितारे, हथेलियों में उठाए सूरज दौड़ती है लड़की, हथेलियों में उठाए सूरज दौड़ती है लड़की नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, हथेलियों में उठाए सूरज दौड़ती है लड़की नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ,
पूरी दुनिया को मुट्ठी में बांध सकती है लड़की, पूरी दुनिया को मुट्ठी में बांध सकती है लड़की, पंख फैलाए कभी आकाश में उड़ती है लड़की, पंख फैलाए कभी आकाश में उड़ती है लड़की, कभी समुद्र की उल्टी धार में तैरती है लड़की, कभी समुद्र की तैरती धार में, समुद्र की उल्टी धार में तैरती है लड़की, अब दारुनटी नहीं रही लड़की, अब दारुनटी नहीं रही लड़की, एक हथेली में सूरज है दूसरी में सितारे, एक हथेली में सूरज है दूसरी में सितारे, अब मुट्ठी में कैद नहीं हो सकती लड़की, अब मुट्ठी में कैद नहीं हो सकती लड़की। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं पूरे अपने वॉल्यूम से बोल रही हूँ। अगली कविता है धरती बची रही, धरती बची रहेगी शीर्षक है। धरती बची रहेगी आकाश भी बचा रहेगा, धरती बची रहेगी आकाश भी बचा रहेगा, मेरी आंखों के ठीक सामने है बेलपत्र का पेड़, मेरी आंखों के ठीक सामने है बेलपत्र का पेड़, कुछ दिनों से देख रही थी, कुछ दिनों से देख रही थी, उसके झड़ गए थे सारे पत्र, कुछ दिनों से देख रही थी, उसके झड़ गए थे सारे पत्ते, नंगी शाखाएं अवसाद देती थी, नंगी शाखाएं अवसाद देती थी, आज ठीक देख रही हूँ उसमें, आज देख रही हूँ उसमें छोटी छोटी हरी पत्तियाँ, कुछ पुराने पीले पत्ते भी मुस्कुरा रहे, कुछ पुराने पीले पत्ते भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें देख कर पेड़ पर जीवन लौट रहा है, पेड़ पर जीवन लौट रहा है, इसीलिए कहती हूँ जीवन भी बचा रहेगा हरी कौपल की तरह, जीवन भी बचा रहेगा हरी कौपल की तरह, कैसा भी अंधड़ आए थमेगा ज़रूर, कैसा भी अंधड़ आए थमेगा ज़रूर, बस अपना विश्वास और मुस्कान बचाए रखना, बस अपना विश्वास और मुस्कान बचाए रखना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कविता। पानी ले लो जी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बोलना पड़ रहा है, पता नहीं आवाज को हुआ क्या है। नहीं, वॉल्यूम कम ही है। अगली कविता बहुत जोर से सुननी पड़ रही जी। अगली कविता है खुशियां, बहुत छोटी सी कविता है खुशियां जी। एक दिन का त्योहार कई कई दिनों तक जीने की ऊर्जा, एक दिन का त्योहार कई दिनों तक जीने की ऊर्जा, उत्सव धर्मी मन कलावे की पतली डोर, उत्सव धर्मी मन कलावे की पतली डोर से नृत्य करने लगता है, उत्सव धर्मी मन कलावे की पतली डोर से नृत्य करने लगता है, कितनी नन्ही नन्ही बातों में बसती हैं खुशियाँ, कितनी नन्ही नन्ही बातों में बसती हैं खुशियाँ। ये रक्षाबंधन पर लिखी गई कविता है छोटी सी। और एक छोटी सी कविता है मानव मन। मन दिन के मोती बदल जाते हैं यादों के पुखराज में, दिन के मोती बदल जाते हैं यादों के पुखराज में, साल दर साल बढ़ती है उम्र, साल दर साल बढ़ती है उम्र, पर मन बच्चा होता चला जाता है, साल दर साल बढ़ती है उम्र, पर मन बच्चा होता चला जाता है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर पड़ाव है, शायद बचपन जीवन का सबसे सुंदर पड़ाव है। बहुत सुंदर।
पुत्र पर है कि पुत्र भी जब बड़े हो जाते हैं, केवल आज हम केवल पुत्रियों की बात करते हैं, आप दोनों बराबर जी बिल्कुल कर रहे हैं। पुत्र मित्र कविता का शीर्षक है पुत्र मित्र। यह सच है कि समय के साथ लंबा हो जाता है पुत्रों का कद। यह सच है कि समय के साथ लंबा हो जाता है पुत्रों का कद, विकसित हो जाती है स्वतंत्र चिंतन की चेतना, विकसित हो जाती है स्वतंत्र चिंतन की चेतना, पुत्र मित्र हो जाते हैं, पुत्र मित्र हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए, पुत्र मित्र हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए। पिता ढूंढ सकता है उनमें, पिता ढूंढ सकता है उनमें अपना अक्स, पिता ढूंढ सकता है उनमें अपना अक्स, माँ ढूंढ सकती है उनमें जीवन के प्रति आत्मविश्वास, माँ ढूंढ सकती है उनमें जीवन के प्रति आत्मविश्वास। अब मुझे ये बताइए कि मेरा समय कितना है। अभी 4 मिनट शेष है, आप 4 मिनट तक पढ़ सकती हैं। तो आप मुझे, मैं पढ़ती हूँ जी, आप स्वागत है। प्रेम पर मैंने 8 कड़ियाँ लिखी थी, 2 कड़ियाँ मैं सुना चुकी आपको पहले जी। ये 3री कड़ी है प्रेम की। माँ की कोख में सबसे पहले पनपता है प्रेम, माँ की कोख में सबसे पहले पनपता है प्रेम, पिता रूपी वृक्ष से लिपट कर, पिता रूपी वृक्ष से लिपट कर सरकता जीवन के वसंती मैदान, पिता रूपी वृक्ष से लिपट कर सरकता जीवन के वसंती मैदान में हिरन सा कूद जाता है प्रेम, हिरन सा कूद जाता है प्रेम, खुलाचे भरता बसंत पार करता, खुलाचे भरता बसंत पार करता, कभी कभी झुर्रियों की झुटपुटी सांझ, कभी कभी झुर्रियों की झुटपुटी सांझ में सिमट आता है प्रेम, कभी कभी झुर्रियों की झुटपुटी सांझ में सिमट आता है प्रेम, काली नख से चांदी के तारों तक छलकता है प्रेम, काली लट से चांदी के तारों तक छलकता है प्रेम, प्रेम की गंध पहचानती है धरती, प्रेम की गंध पहचानती है धरती, पहचानता है आकाश, धरा से आकाश तक बाहें फैलाए हुए, धरा से आकाश तक बाहें फैलाए हुए बुलाता है प्रेम, कभी गूंज तो कभी अनुगूंज बनकर, कभी गूंज तो कभी अनुगोज बन। जब प्रेम होता है तो हम नहीं होते, जब प्रेम होता है तो हम नहीं होते, हम हो जाते हैं टिमटिमाते दिए, हम हो जाते हैं टिमटिमाते दिए, आकाश का नक्षत्र धरती का बसंत, हमारी देह गाने लगती, हमारी देह गाने लगती है, मन थिरकने लगता है, मन थिरकने लगता है, रोम रोम नाचता है, बड़े से बड़े संकट से भी, बड़े से बड़े संकट से भी हमें चुपचाप उबार लेता है प्रेम, बड़े से बड़े संकट से भी हमें चुपचाप उबार लेता है प्रेम, दुख की सर्द रात में, दुख की सर्द रात में अलाव की आँच, दुख की सर्द रात में अलाव की आँच सा दहकता है प्रेम, धीरे से सहलाता है प्रेम, धीरे से सहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत समा प्रार्थी है अब आपसे। और प्रमुख संचालक के बोलने से पूर्व मैंने आज आपका सहयोगी रहा हूँ, समस्त पठन पदाधिकारियों, समस्त कवियों, कवित्रियों, श्रोताओं से मेरा दो पंक्ति में निवेदन है, जो भी मैंने गलती की हूँ कर देना अब उन माफ में, जो भी मैंने गलती की हो कर देना अब उन माफ में,
और शीघ्र ही गिनीज में मैजिक मैन चंद्र नाम आए देना आशीर्वाद हमें देना आशीर्वाद हमें जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत आभार आशीर्वाद। बहुत बहुत आप जी अभी 2 मिनट हैं, अभी समय है, 2 मिनट शेष है, अगर आप 1-2 लाइन पढ़ सकती हैं तो पढ़ सकती हैं। हाँ पढ़ देती जी। आवाज नहीं आ रही, मैं पूरे वॉल्यूम में बोल रही हूँ। बिल्कुल आवाज। हेलो मैडम, और यहाँ फुल वॉल्यूम किया हुआ है मैडम। योगिता जी उनको पढ़ने दो, अभी अभी 5-7 मिनट पढ़ने दो उनको जी, पढ़िए। प्रेम का आकाश अनंत है, प्रेम का आकाश अनंत है, लेकिन हम उसे पिंजरे में पालना चाहते हैं। प्रेम का आकाश अनंत है, लेकिन हम उसे पिंजरे में पालना चाहते हैं। घर गांव देश की सीमा तोड़कर, घर गांव देश की सीमा तोड़कर धरती की असीम छोरों तक जा सकता है प्रेम। घर गांव देश की सीमा तोड़कर धरती की असीम छोरों तक जा सकता है प्रेम, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती। हमने जब जब उसे अपने ही बनाए मानकों से बांधना चाह, हमने जब जब उसे अपने ही बनाए मानकों से बांधना चाहा, तब तब धरती पर मरा प्रेम, तब तब धरती पर मरा प्रेम। नफरत परायेपन स्वार्थ की कलाबाजी में, नफरत परायेपन स्वार्थ की कलाबाजी में मुरझाया प्रेम। प्रेम को अनंत पंखों से उड़ने दो, प्रेम को अनंत पंखों से उड़ने दो, धरा हथेली पर सिमट आएगी, धरा हथेली पर सिमट आएगी। बहुत खूबसूरत है समय, अभी शानदार प्रस्तुति जी। हाँ अभी और चलो प्रेम करके देखिए। उस बच्चे से जो कोहरे में भरे सर्द दिन में, उस बच्चे से आदरणीय बहन जी समय पूर्ण हो चुका है। ओके क्षमा बिल्कुल